रोड पे उस पे नहीं जाएंगे उस पे नहीं खाली पे नहीं तो कहां अरे वो बहुत सुनसान है यार दिखा मेरे को दे तू बैक कैमरा कर रखा है बॉडी आ रहा कती इंट्रोडक्शन भी तो देना होता है हाय गाइस हाय विशी आज हम लोग सब मम्मी पापा तो सो गए हैं और हम लोग गाड़ी लेकर के निकल गए हैं नाइट आउट के लिए मैंने रोटी भी नहीं खाई थी मैं थोड़ी सी लेट आई थी अब कितना टाइम बज रहा है अभी अभी बज रहे हैं रात के 10 झूठे रात के बज रखे हैं अभी 10 और हम निकल चुके हैं पागल हो रही है तू नॉनसेंस और मैंने खाना नहीं खाया था तो मैं एक रोटी और एक करेले के अचार की सब्जी ले आई और फिर साथ में मैं लेकर आई हूँ जलेबी कटोरी में धर लाई और बाहर भाई इतना अंधेरा हो रहा है लाइट ऑफ करनी चाहिए लाइट ऑफ कर अंदर वाली जल्दी सब दिखता है फिर बाहर हो रखा अंधेरा और ये देखो भाई लोग यहाँ पे रात में दारू पीते हैं और नशा करते हैं और आज हम इंस्पेक्शन पे आए हुए हैं ठीक है कितना टाइम हो रहा है देखो रात के बज रहे हैं 10 PM 10 बज रहे हैं रात के यहाँ पे देख बैठे हुए हैं क्या कर रहा है ये आदमी आप पता नहीं क्या कर रहा है फोन पे बातें कर रहा था ये आदमी अब मैं अपनी रोटी खाऊंगी मजे से अंधेरे में अच्छी चीज बन रही है आगे का वो लोग यहाँ मेरी बस ली बेबे बनाओगी ये देखो गाइस इट्स अराउंड 10 हम आए हैं नाइट राइड के लिए ये मैं बता चुकी ना पहले आगे बता ये हमारा बैक साइड रोड जो कि थोड़ा भी डरावना लग रहा है क्योंकि अभी सुनसान है और हमारे झंडे की लाइट लगी हुई है देखिए लाइट ओ अच्छा इंडिपेंडेंस डे की ये थोड़ा शेड दे रखा है इन्होंने और अभी कुछ दिन में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और अभी हम मिलते हैं हमारे आगे दो प्लेयर से एक है विशाल जो कि अभी ड्राइव कर रहा है आराम से तू तो मैंने ड्रा देता और है, ये नेक्स्ट हमारी है बिग सिस चलो अभी दिखेगी ये हेयर भी है वार क्या रोड है विशाल भैया विशाल ओके चलो हम आगे का रास्ता देखते हैं जो कैसा लग रहा है आया पहले हमारे शीशे पे देखो कितनी फॉग हो गई है धुंध जैसा रास्ता हो रखा है माय गॉड आगे दारू पी रहे हैं वो लोग उधर मेरे को थोड़ा सफोकेशन हो रहा है एसी ऑन कर दो जलेबी खा रही है भूत नहीं चिपकेंगे भूत चिपकेंगे भूत अंट पहले कर रहे हैं हम भाई सही में होते हैं सर लेफ्ट ले विशाल राइट नहीं जाएंगे मैंने तो बोला था स्कूटी पे आते हैं तीनों मैंने विशाल को बोला पर सिखा दे ऊपर नीचे वाली कैसे कर रही है अच्छा तेरी बैक साइड चली जाती है अब ये मेरा ब्लॉग खराब कर रहे हैं दोनों मिलके ओ हमारा गाना तो रह गया गाना हमने प्ले किया है गबरू पंजाब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा रोड है नए रास्ते से लेके आ रहे हैं दोनों मैं कभी नहीं आई इस पे मैं उस साइड गई हूँ इधर नहीं आई सामने ऐसी मम्मी रोटी भी ठंडी कर दी और मैंने दो रोटी बनाई थी एक रोटी कौन खा गया मेरी ओह नो रोटी चोरी हो गई रोटी चोरी हो गई है हॉरिड हेनरी कुछ बोलना चाहता है हॉरिड हेनरी तू ये विशाल का फेवरेट कार्टून हुआ करता था ओह माय गॉड विशाल इसका दीवाना था हॉरिड हेनरी का सब्जी मम्मी ने आज बनाई है मार्केट वाला एरिया है ये म्यूजिक की वॉल्यूम डाउन कर ब्लॉग डिस्टर्ब हो रहा मैं रोटी देख लिया अब सिंक होल बन गया है रोड पे तो फाइनली हम लोग अभी घर पे वापस पहुंच चुके हैं और यहीं पर ही हमारा नाइट आउट समाप्त होता है हमारा नाइट आउट कुल मिला करके 10 मिनट का था जिसमें कि ये कुत्ता हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है
इसको भी घर नहीं मिल रहा है और ये हमारे शीशे पे धुंध जम गया। और जबकि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी तो सिर्फ ये चल रहा है ना, सितंबर चल रहा है, तो फिर अभी भी उसमें धुंध सी जम गई है। लेकिन अब हमारा सो बाय गाइस, हम वापस घर पे पहुंच चुके हैं। हमारे को 100 रुपये का तेल बर्बाद करना था जो हमने कर दिया। 100 का नहीं लगा, कितने का लगा? 30 रुपए का। 20 रुपए का तेल हमने बर्बाद कर दिया है और एक टिक्कड़ पाड़ लिया और एक जलेबी खा ली गाड़ी में बैठ के। और यही हमारा नाइट आउट समाप्त। अब बदमाशी वाले गाने विशाल ने सुने, मैंने नहीं सुने, मैं नहीं सुनती बदमाशी वाले वाले गाने। सॉरी, सो बाय, गुड नाइट। अपना सामान डालो, फोन डालो, क्लचर डाल लिया और क्या, कटोरी की तमरी।